1 मिनट सर। सर, दिल्ली से होम मिनिस्टर चौधरी आपसे बात करना चाहते हैं, हॉटलाइन पर। बात कीजिए सर। नमस्कार मंत्री साहब। नमस्कार। देखिए, कल एयर फ्रांस की फ्लाइट से प्रोफेसर खुराना फ्रांस से पहुंच रहे हैं। आपने उन्हें देखा भी है और उन्हें अच्छी तरह से जानते भी हैं। दुश्मन की नजर भी उन पर होगी, इसीलिए उन्हें एयरपोर्ट से रिसर्च सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंप रहा हूं। ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मामला है। कॉन्फिडेंशियल मामला तो मैं जान चुका हूं। ब्रिगेडियर, आप देखना प्रोफेसर खुराना कहां पहुंचता है। मगर प्रलयनाथ, ये नामुमकिन है। मंत्री होने के नाते तुम्हारे लिए ये काम बहुत आसान है जीवनलाल। तुम एयरपोर्ट के किसी भी हिस्से से ब्रिगेडियर की आंखों में धूल झोंक कर उसे उठा सकते हो। मगर मैं तो प्रोफेसर को जानता तक नहीं और न ही उसे देखा है। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैंने बॉब को खबर कर दी है। हमारा विदेशी एजेंट फ्रांस से ही प्रोफेसर खुराना का पीछा साये की तरह करेगा और वही तुम्हें एयरपोर्ट पर प्रोफेसर खुराना को तुम्हारे हवाले करेगा। राधा, जब तक मैं तुम्हें दूसरे आदमी तक नहीं पहुंचा देता, यूं ही खामोशी से चलते रहना। एक लफ्ज भी बाहर निकाला तो साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से कब गोली निकलकर तुम्हारे अंदर दाखिल हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नमस्कार प्रोफेसर खुराना साहब। नमस्कार, मेरा नाम जीवनलाल टंडेल है, मैं इस राज्य का मंत्री हूं, आपका स्वागत करने आया हूं। प्रोफेसर, तुम्हारे गले में जो मैंने हाथ डाला है उसमें बम लगा है जिसका रिमोट कंट्रोल मेरी जेब में है। जरा भी होशियारी दिखाई तो तुम्हारे जी थोड़े उड़ जाएंगे, समझे? खामोशी से मेरे साथ चलो। चलो आइए। वेलकम प्रोफेसर खुराना, वेलकम टू इंडिया। वाह जीवनलाल वाह, आज तुमने तो कमाल कर दिया प्रोफेसर खुराना। वो ब्रिगेडियर तो बेचारा एयरपोर्ट पर हाथ मलता ही रह गया और प्रोफेसर हमारे जाल में कबूतर की तरह फंस गया। ब्रिगेडियर शायद ये नहीं जानता कि प्रलयनाथ ऐसा शिकारी है जिसके हाथ से कभी कोई शिकार नहीं बचता। खोल दो इसे। हेलो। अंधे की हाथ बटेर लग जाए तो वो शिकारी नहीं बन जाता गेंडा स्वामी, जिसे तुम प्रोफेसर खुराना समझे बैठे हो वो दरअसल तुम्हारा अपना ही एजेंट है जो फ्रांस से प्रोफेसर खुराना का साई की तरह पीछा करता आ रहा है, समझे? प्रोफेसर तो वहां पहुंच चुके जहां उन्हें जाना था। मुझे माफ कर देना प्रलयनाथ जी, मैं प्रोफेसर खुराना नहीं, आप ही का एजेंट हूं। मगर हवाई जहाज में ही ब्रिगेडियर के कमांडो ने मुझे मजबूर कर दिया। प्रोफेसर ने गन पॉइंट पर मुझे जीवनलाल तक पहुंचाया। मैंने वहां भी कहना चाहा, लेकिन इन्होंने बम वाला हार मेरे गले में डाल दिया। मैं कुछ कहता तो वहीं जान से मारा जाता। तुम वहां पर भी मारे जाते और यहां पर भी मारे जाओगे। मैंने विदेशी एजेंट को तो सजा दे दी है ब्रिगेडियर,
मगर प्रलयनाथ से ये दुश्मनी तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। जो भारी ना हो वो दुश्मनी ही क्या प्रलयनाथ? तो एक बात मेरी भी अपने कान में अच्छी तरह उतार लो ब्रिगेडियर। प्रोफेसर खुराना को अब चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपा लो, मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। शेख चिल्ली की तरह दिन को सपने देखने छोड़ दो गेंडा स्वामी, हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं ताकि सुरमा लगाने की नौबत ही ना आए और फिर तुम्हारा अंजाम वही होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? बेईमानी न मेरे खून में है न डॉक्टरी पेशे में। डॉक्टरी पेशे की तो बात हम अभी करेंगे नहीं, डॉक्टर गुप्ता इस वक्त बात है तुम्हारे सच और झूठ की। माथे पे आया हुआ पसीना पोछो और हमें राजा टंडेल की झूठी नहीं सच्ची रिपोर्ट की असलियत बताओ। झूठी रिपोर्ट? हाँ, जो रिश्वत लेकर तुमने बनाई और एक मामूली सी प्रेगनेंसी को एक खौफनाक रेप का केस बनाकर संजय और उसके दोनों साथियों को हवालात में पहुंचा दिया। ये सब झूठ है, आपको किसी ने गलत बताया है। चिल्लाने से झूठ नहीं छुपता डॉक्टर गुप्ता, हमें पहचानो, हमें ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह कहा जाता है। हम मुर्दों से सच उगलवा लेते हैं, तुम तो फिलहाल जिंदा हो, सच सच कह डालो। आप समझते क्यों नहीं ब्रिगेडियर साहब, मैंने कोई गलत रिपोर्ट नहीं बनाई और नहीं कोई रिश्वत ली है। फिर ये क्या है डैडी? ये देखिए, ये रुपए आपके कबड़ में थे डैडी। मैं समझी थी कि किसी को जीवन दान देने के लिए आप इसमें दवाइयां लाए हैं, पर ब्रिगेडियर साहब की बात सुनकर जब मैंने इसको खोलकर देखा तो पता लगा कि मेरे पिता मेरे लिए शादी का जोड़ा नहीं कफन खरीदने के लिए रिश्वत का पैसा लाए हैं। संध्या। हाँ डैडी, जिस संजय चौहान को आपने सलाखों के पीछे पहुंचाया मैं उसी से प्यार करती हूँ। अगर संजय को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। देखा डॉक्टर, हराम के पैसे का रंग, जिस पैसे से तुम अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहते थे वही पैसा अब उसी बेटी का सुहाग छीन सकता है। अब भी वक्त है डॉक्टर, सब कुछ सच सच कह दो। ऑर्डर ऑर्डर। अब डॉक्टर गुप्ता बयान देंगे जिससे सारी अदालत के सामने जाहिर होगा कि असलियत क्या है। जज साहब, मिस राधा टंडेल के बलात्कार की झूठी रिपोर्ट मैंने ही तैयार की थी। सच्चाई यह है वो पेट से थी और उनका अबॉर्शन मैंने ही किया था। जज साहब, मैंने अपना जमीन बेच दिया था, मैं अदालत के सामने कबूल करता हूं कि मैं बेटे जज साहब रिश्वत लेकर वो पिताजी छूटी रिपोर्ट मैंने 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 ही तैयार की थी। वो लड़के निर्दोष। पिताजी नहीं, ये नहीं हो सकता। पिताजी 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 नहीं। राजन मेरे चश्मदीद गवाह और उसके दोस्तों की आज कोर्ट से रिहाई हो चुकी। मैं चाहता हूं उन तीनों की इस दुनिया से भी रिहाई कर दो।
कल ही रक्षाबंधन के दिन।